अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी ने देवर के साथ मिलकर बेरहमी से करा दी अपने पति की हत्या। ये मामला हनुमान थाना के अर्जुनपुर शुक्ला का है, जहां विगत दिनों स्कूल में सो रहे 25 भर्ती बाबूलाल साकेत के अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस द्वारा अंधी हत्या का खुलासा किया गया, जहां मृतक की पत्नी सविता साकेत और छोटे भाई सूरज साकेत को गिरफ्तार किया गया। यह घटना देवर भाभी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का परिणाम है। हमारा क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर शुक्ला, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर एफएसएल टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका पीएम कराया गया, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लिया गया और साथ ही उसकी विवेचना प्रारंभ की। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंधी हत्या के खुलासे के लिए लगातार निर्देश मार्गदर्शन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, तकनीकी सहयोग लिया गया। तकनीकी सहयोग से ये मामले का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी निकल के आई कि मृतक रामजी साकेत, उसका छोटा भाई था सूरज साकेत और उसकी पत्नी सविता साकेत, ये तीनों अपने परिवार के साथ में गांव में रहते थे। मृतक जो है कभी कभी क्लीनिंग का काम करता है तो बाहर जाता था, बाहर से आता जाता रहता था। बीच में ये आया था, उस समय कोरोना का समय चल रहा था, ये क्वारंटाइन के टाइम पे अपने घर के बाहर बने स्कूल में जो प्राथमिक शाला है जहां घटना घटित हुई है वहां पर रहता था। क्वारंटाइन पीरियड व्यतीत करने के बाद भी अक्सर वहां कभी कभी सो जाता था। बीच में इसकी पत्नी यहाँ रीवा आ गई थी अपने मायके में और ये बाहर गया हुआ था। बाहर से जिस दिन आया, मृतक ने उसकी पत्नी को फोन लगाया कि मैं वापस गांव आ रहा हूँ, तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर यानी आरोपी सूरज साकेत को फोन कर दिया है कि वो आज वहां घर पहुंच जाएंगे, तुमको जैसा करना हो कर लेना। इस बात पर से फिर जब मृतक घर पहुंचा अपने, तो आरोपी सूरज साकेत द्वारा जब वो सो रहा था वहां घटनास्थल पर जाके प्लानिंग के तहत गया, उसने एक बड़ा सा पत्थर सोते हुए मृतक के ऊपर जोर से पटका और दोबारा उसी पत्थर को फिर उठाकर उसके ऊपर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। और घटना को गुमराह करने के लिए उसके गले पे धारदार हथियार से चाकू ब्लेड टाइप का जो रेजर था उससे वार किए, इससे उसकी मौत हो गई। आरोपी द्वारा घटना स्वीकार कर ली गई। घटना में प्रयुक्त पत्थर और साथ में उसका जो रेजर था वो जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी द्वारा मृतक रामजी साकेत का मोबाइल तोड़कर दूर फेंक दिया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी जिसमें सूरज साकेत और सविता साकेत, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का पूरी तरह से खुलासा हो गया है।